दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ अभिभावक और छात्रों का प्रदर्शन खत्म, पुलिस को सौंपा मेमोरेंडम। दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह के लिए आए नेट यूजी के छात्र, बोले सीबीआई जांच से संतुष्ट लेकिन परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। राजकोट में भी नीट यूजी के छात्रों का प्रदर्शन, छात्रों ने नीट की दोबारा परीक्षा नहीं कराने की मांग। नीट पेपर लीक मामले का महाराष्ट्र कनेक्शन आया सामने, महाराष्ट्र की नांदेड़ एटीएस ने दो शिक्षकों को लातूर से हिरासत में लिया, फिलहाल दोनों शिक्षकों से गहन पूछताछ चल रही है। नीट का मूल प्रश्न पत्र एनटीए ने ईओयू को भेजा, आजादीबाग के ओएसएस स्कूल से लीक हुआ था पर्चा, ईओयू की टीम ने स्कूल पहुंचकर स्कूल प्रबंधन और शिक्षकों से की पूछताछ। नीट पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, बोली बीजेपी राज में समूची शिक्षा का ढांचा माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के हवाले, युवा अपना कीमती समय बीजेपी के भ्रष्टाचार से लड़ने में गंवा रहे हैं और पीएम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। पेपर लीक को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना, बोले अधिकारियों का हटाना समस्या का समाधान नहीं, एजुकेशन सिस्टम माफिया भ्रष्टाचारी घुस गए हैं, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। पेपर लीक मामले पर बोले आरजेडी नेता मनोजा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, एनटीए को खत्म करना चाहिए। पेपर लीक मामले पर बोली शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, देश में एजुकेशन इमरजेंसी लग गई है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नीट यूजी पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, जांच सीबीआई को सौंपी। नीट यूजी की 5 मई को हुई परीक्षा में धोखाधड़ी और अनियमितता के कुछ और मामले सामने आए, परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए सीबीआई को जांचने का फैसला। सीबीआई नीट मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी, अब तक बिहार और गुजरात पुलिस एफआईआर दर्ज कर कुछ आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। शिक्षा मंत्रालय ने गठित की हाई लेवल कमेटी, एनटीए की निगरानी और परीक्षा में गड़बड़ी दूर करने के लिए तैयार करेगी रिपोर्ट। 2 महीने के भीतर शिक्षा मंत्रालय को समिति सौंपेगी रिपोर्ट, कमेटी ने इसरो के पूर्व चेयरमैन समेत 7 लोग शामिल हैं। पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया, प्रदीप सिंह खरोला बने एनटीए के नए डीजी। दिल्ली में जल संकट पर आप नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल वी के सक्सेना से मिला, प्रतिनिधिमंडल में संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे भी शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज, हरियाणा अभी भी कम पानी दे रहा है, एनजी ने हरियाणा सरकार से बात करने का दिया आश्वासन। दिल्ली के जंगपुरा के भोगल कॉलोनी में जल मंत्री आतिशी के अनशन का आज तीसरा दिन, स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए, इस इलाके में पानी की कमी नहीं है फिर यहाँ अनशन क्यों, केवल सुबह और शाम ही आतिशी के अनशन पर लोगों ने उठाए सवाल, कांग्रेस के नेताओं ने पूछा ये कैसा धरना। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी के धरने अनशन पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज का केजरीवाल मॉडल का नया सत्याग्रह है, जहां 4 घंटे बैठते हैं और 18 घंटे एसी रूम में आराम करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा आतिशी का धरना सिर्फ टैंकर माफिया पानी की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए। आतिशी ने जारी किया वीडियो मैसेज, कहा पानी नहीं होने को लेकर झूठ बोल रही है हरियाणा सरकार, दिल्ली के लिए पानी छोड़े जाने वाले गेट को किया बंद। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में कई दिनों से बना हुआ है जल संकट, टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति। दिल्ली के चुल्ला गांव में भी कई दिनों से जल संकट का सामना कर रहे हैं लोग, टैंकर के आने से पहले ही पानी के लिए लगी लंबी कतार। बसपा प्रमुख मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को फिर से बनाया पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेशन, लोकसभा चुनाव के बीच में छीनी थी जिम्मेदारी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने की पहली बार बैठक। राज्य के दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, आईसीएआर के वैज्ञानिक और अधिकारियों के साथ की बैठक। सिवनी गौ हत्या मामले पर बोले सीएम मोहन यादव, प्रदेश में गौवध अधिनियम लागू है, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार गंभीर है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पटना में बापू टावर के निर्माण का कार्य जारी, सीएम नीतीश ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी के 25 जगह बनाए जा रहे दफ्तर, टीडीपी सरकार के निशाने पर। एक दिन पहले विजयवाड़ा में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन दफ्तर को किया गया ध्वस्त, बिना परमिशन के निर्माण का था आरोप। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के भाई सूरज रेवन्ना भी यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार, पार्टी कार्यकर्ता ने लगाया था यौन शोषण का आरोप। तमिलनाडु के कलकुरिची में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हुई, एएमएमके के टीटीवी दिनाकरन ने सीएम स्टालिन से मांगा इस्तीफा। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक 56 लोगों की मौत पर बीजेपी सांसद समित पात्रा बोले इतने गंभीर विषय पर खड़गे, राहुल और प्रियंका चुप क्यों, ये मौत नहीं हत्या है। सीएम बनने के बाद पहली बार अपने क्षेत्र केन्दुजार पहुंचे मोहन चरण मांझी, लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। हरियाणा के रोहतक पहुंचे हरियाणा के विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का सीएम सैनी ने किया स्वागत, बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों, विधायकों, प्रदेश प्रभारी और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। गुजरात में राज्यव्यापी पोलियो अभियान की शुरुआत, गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने बच्चों को दी दवा पिलाई। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी मां के साथ किया पौधारोपण, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत किया पौधारोपण। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से यूएई का दौरा, साझेदारी के कई मुद्दे पर अपने समकक्ष के साथ करेंगे बैठक।
इसरो ने फिर किया कमाल, पुष्पक विमान की तीसरी सफल लैंडिंग कर लगाई हैट्रिक। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने दी बधाई। पुष्पक को एयरफोर्स के चुनो को हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया था। पुष्पक ने रनवे सेंटर लाइन पर की सटीक क्षैतिज लैंडिंग। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों को लेकर की बैठक। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा उनका ओजस व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने शहादत नाम के एक नए आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। बांग्लादेश में प्रतिबंधित शहादत का संबंध अलकायदा से। शहादत आतंकवादी संगठन से जुड़े अमीर नाम के शख्स को पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। इसके सदस्य गुप्त मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बीआईपी के माध्यम से करते हैं संवाद। पटना के फुलवारी शरीफ में बिल्डर के कंस्ट्रक्शन साइट पर दो गुटों के बीच हिंसक चड़क गोलीबारी में एक युवक की को लगी गोली। वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फिल्मी अंदाज में 40 से अधिक बाइक पर सवार करीब 85 से अधिक बदमाशों ने अचानक हमला बोला। फायरिंग से पूरा इलाका कांपा। डर से लोगों ने घरों के खिड़की दरवाजे बंद किए। बिहार में एक सप्ताह में तीसरा पुल गिरा। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में भी निर्माणाधीन पुल भरभरा कर गिरा। 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा था छोटा पुल। जोधपुर के सूरसागर हिंसा मामले में 67 आरोपी गिरफ्तार। सभी आरोपियों के नाम सामने आए। सूरत में गिरफ्तार बांग्लादेशी मीनार को लेकर बड़ा खुलासा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर बना था भारतीय। फर्जी दस्तावेज से बने पासपोर्ट से विदेश यात्रा भी की।